welcome back to your fun-loving channel and your fun-loving platform hello siksha so basically children in today's section of video we are going to start our new chapter from class 12 biology basically and the chapter title which we are going to do is sexual reproduction in flowering plants so basically children we have already done our chapter 1 and this is title chapter 2 okay so let's begin with it quickly because we need not to waste any time you know from title you get an answer that in this chapter we are going to talk about sexual reproduction in reference to plants and that the particular plants flowering plants okay matlab ki flowering plants may sexual reproduction kaise hota hai? Kya step hota hai? Kya involved hoti hai? we are going to talk about that इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमें पता है अभी तक हम ये पढ़ते हैं कि प्लांट में सिर्फ क्या ऑब्जर्व होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बट ऐसा नहीं है फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि आपके एंजियोस्पम्स में वी हैव योर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सो हाउ इट हैपन्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है सो लेट्स बिगिन विद दैट क्वेश्चन यू आर सींग्लो चार्ट तो ये फ्लो चार्ट आपको हेल्प करेगा बेसिकली रिवाइज करने में मैंने ये फ्लो चार्ट आपको टाइटल के साथ इसलिए दिया है जस्ट टू इन ऑर्डर दैट यू गैट अइडिया कि आपको चैप्टर में इतना सब कुछ पढ़ना है राइट बट डोंट गेट पैनिक हम लोग थोड़ा थोड़ा चीज़ें करेंगे इन सेक्शन ऑफ वीडियो सो फर्स्टली लेट्स बिगिन विथ टू डेज आपको पता है कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ठीक है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है हमें पता है दैट वी आर हैविंग वन मेल एंड सॉरी वी आर हैविंग वन मेल मेल्स वी आर हैविंग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यू कैन से वी आर हैविंग आ मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स जैसे कि पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेम वे आपका इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे भी मेल एंड फीमेल का सेक्शन में आपको पता ही है सेक्शुअल में आपके क्या आते हैं गैमीट्स क्या आते हैं गैमीट्स वेरी गुड गैमीट्स हमें पता है गैमीट्स को हम क्या कह सकते हैं एग्स एंड ठीक है ये आपका वर्डिंग है जो हम यूज करते हैं फॉर आर ह्यूमंस बट प्लांट के टर्मिनोलॉजी में चीज़ें कुछ चेंज जाती हैं क्या चेंजेस आते हैं लेट्स सी ठीक है तो सबसे पहले हमें फ्लावर के बारे में पढ़ना है सो वी शुड नो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर ठीक है पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स क्या हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है समझने के लिए राइट सो लेट्स बिगिन विद इट फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर दैट रेफरेंस मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए वहाँ पर आपको क्लास इलेवेन्थ के डायग्राम मिलेंगे बायोलॉजी के सो वहाँ पर एक पर्टिकुलर वीडियो ही मैंने बनाया है पार्ट्स ऑफ फ्लावर पे प्लीज़ आप वो वीडियो भी देखिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए भी फिर से बना दूँगी बट फॉर दैट आप वो डायग्राम वीडियो देखोगे तो आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर मैंने पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है एवरी पार्ट ऑफ फ्लावर एंड वर इट्स रिस्पेक्टिव फंक्शंस ठीक है तो सबसे पहली चीज़ होती है कि हमारे पास आता है जो फर्स्ट चीज़ वो होता है आपका काइलेक्स काइलेक्स मीन्स क्या होते हैं सेपल्स ठीक है सेपल्स मीन्स जो आपको ग्रीन कलर से नीचे मिलते हैं प्रोटेक्शन के लिए बर्ड पे आपको दिखता होगा ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जनरल टर्म सेपल्स ठीक है आफ्टर दैर वी हैव आर पेटल्स तो हमारा इसके बाद हमारे क्या होती है पेटल्स का अरेंजमेंट होता है वी हैव दैन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज एंड्रोशियम एंड फीमेल पार्ट दैट इज गायनोशियम ठीक है अब जो मेन चीज आती है सॉरी जो मेन चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है वो है फंक्शन ठीक है ओके okay. तो आप ये चीज़ याद रखना है आपको कि काइलेक्स मीन्स होता है सेपल काइलक्स मीन्स क्या होता है सेपल होता है वी हैव देन आर कोरोला दैट इज पेटल एंड्रोशियम मेल एंड गाइनोशियम तो आप रिस्पेक्टिव फंक्शन की बात करें तो सेपल का फंक्शन क्या होता है सेपल बेसिकली करता क्या है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जब फ्लॉर बर्ड स्टेज में होता है मेरी वर्डिंग्स को समझिएगा जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तब जो आपके सेपल्स होते हैं ग्रीन लीफ लाइक का अंडर द फ्लावर वो क्या करते हैं प्रोटेक्शन करते हैं नेक्स्ट वी हैव आर पेटल्स तो पेटल्स हमारा क्या करती हैं इंसेक्ट्स जो होते हैं स्मॉल एनिमल्स या फिर इंसेक्ट उनको अट्रैक्ट करने का काम करती है किस लिए अट्रैक्ट करती हैं फॉर पॉलिनेशन किस लिए पॉलिनेशन पॉलिनेशन के प्रोसेस के बारे में आई गैस सबको पता होगा पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या होता है बेसिकली कि जिसमें आपका फीमेल या मेल पार्ट को कोई इंसेक्ट यानी एग या स्पम को अगर हम कॉमन लैंग्वेज में हमारी बोलें तो ऐग या इस्पम को रिस्पेक्टिवली कैरी करता है दूसरे फ्लार तक ठीक है दूसरे फ्लार तक उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं पॉलिनेशन ठीक है पॉलिनेशन कहते हैं उस प्रोसेस को अब इसके बहुत सारे मीन्स हो सकते हैं पॉलिनेशन के ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल ही होगा हमारा एस टू वाटर वी हैव हाँ विंड समवेयर योर वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो एंड योर ह्यूमंस ऑल्सो हमारे क्लोथ्स के थ्रू हमारे हैंड्स की स्किन के थ्रू इन सब चीज़ों के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पॉलिनेशन जो है वो सिर्फ इंसेक्ट से होता है इट कैन हैव वेरियस मीन्स ऑफ पॉलिनेशन लाइक ह्यूमन ह्यूमन बीइंग वैसे इन सब चीज़ों को अवॉइड करता है क्या करता है अवॉइड करता है कि उसे टच ना करनी पड़े पर ह्यूमन से रिस्पेक्टिव जो चीज़ें हैं वो कोई नहीं कर सकता है तो पॉलीनेशन ह्यूमन कर रहा है एनिमल आपका कर रहा है उसके स्किन में स्टक हो जाता है एच टू वो आप कोकोनट का एग्जाम्पल देख लो और ब्रेन क्योंकि ये सब लाइट होते हैं और इनका रिस्पेक्टिव अपना स्ट्रक्चर होता है तो उन स्ट्रक्चर्स की वजह से भी ये रिस्पेक्टिव मीन्स ऑफ पॉलीनेटर्स यानी कि पॉलिनीटिंग के सोर्स को यूज़ करते हैं ठीक है अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ पे जो है कि है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने अभी जस्ट पढ़ा कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है होता है मतलब कि हमने हमें ये पता है कि सेक्सुअल में भाई दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ठीक है ठीके? दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है सेक्सुअल में ये चीज़ सबको पता है तो उसी ऑर्डर में हमारा प्लांट में भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा जैसे हमारा ह्यूम्स में होता है सो अब हम बात करेंगे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें डिस्कस करनी चाहिए वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा होता है स्टेमिन ठीक है स्टेमिन जो होता है उसमें हमारे अंदर की तरफ क्या होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियाज होते हैं और उन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियाज में हमारे फर्दर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जिनको हम हमारे कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं पॉलेन ग्रेन्स क्या कहते है? हैं पॉलेन ग्रेन्स ठीक है समझ आया तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको कॉमन वर्ड्स भी पता हो अगर कहीं पे माइक्रोस्परेंशिया लिख गया हो तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि ये क्या आ गया ठीक है तो स्टैमिन होता है उसमें देन वी हैव आर स्टाइल एंड स्टिग्मा वी हैव दैट इज इन फीमेल बट मेल में हमारा क्या होता है स्टेमिन होता है दैट इज की बेसिकली एक फिलामेंट एंड स्टेमिन लाइक स्ट्रक्चर होता है मतलब अगर मैं आपके लिए इसको रफली यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो मेरे लिए सिस्टम कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है ठीक है ओके ठीक है तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है जो आपको याद रखना है बल्बियइट बेल्बियइट का मतलब क्या होता है कि दो ऐसे स्ट्रक्चर जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनमें डिविजन होना तो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है तो यही है आपका स्टैमिन क्या है ये स्टैमिन है स्टैमिन के अंदर ही आपके सेक्शंस होते हैं देन वी हैव सो ये सारी चीजें अंदर की स्ट्रक्चर है जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे देन वी हैव दिस फिलामेंट ठीक है फिलामेंट क्या होता है बेसिकली ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है मतलब एक आप कह सकते हैं स्टिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है क्या होता है स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है तो ये स्टिक लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है बेसिकली कि आपके इस इस्टेमिन को ऊपर की तरफ रखता है ठीक है ये अपवर्ड रखता है हमेशा क्योंकि जो भी आपका पॉलिनेटर होगा वो ऊपर ही रहेगा वो डीप इनसाइड नहीं जाएगा क्योंकि उससे नहीं पता है कि उसे पॉलिनेशन करना है वो क्या है कि उसे कोई नॉलेज नहीं है तो वो अचानक से आएगा और तब आपको पॉलिनेशन का प्रोसेस करवाना है पर अगर आपका ये स्टेमिन स्ट्रक्चर फ्लार में कहीं बहुत अंदर नीचे दबा होगा तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा इसीलिए ये फिलामेंट क्या वर्क करता है कि ये आपके स्टेमिन को ऊपर की तरफ रखता है ऊपर की तरफ रखता है जिससे कि पॉलिनेशन का प्रोसेस ईजिली हो सके ठीक है बिल्ड प्रोडक्टिस का आपको ओवरव्यू क्लियर हो गया अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ की तरफ ये देखिए ठीक है ये एक डायग्राम है आप सभी के लिए फॉर फ्लार ठीक है आप फ्लार का डायग्राम इसे कह सकते हो बेसिकली तो यहाँ पे आपको देख सकता है इसका टाइटल भी मैंने दिया है फ्लावर विद डिफरेंट पार्ट्स ठीक है तो ये डायग्राम आपको एन बुक में भी आपकी मिल जाएगा तो रिफ़र टू दैट आल्सो अगर आपको आगे कभी कोई डाउट होता है तो आप यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो सबसे पहले चीज सेपल के बारे में हमने बात की थी यहाँ पर आप देख रहे हैं सेपल क्या होता है ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है प्रोटेक्शन करता है ठीक है बद स्टेज में फ्लावर को देन वी हैव फिलामेंट जो है हमने अभी पढ़ी है हम सिर्फ उन्हीं के बारे में डायग्राम में डिस्कस करेंगे ज्यादा चीजें नहीं डिस्कस करेंगे जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो ठीक है तो अभी तक हमने फिलामेंट के बारे में पढ़ा है फिलामेंट क्या होता है बेसिकली स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपके एंथर को ऊपर रखता है और आंतर में ही क्या होता है कि आपका रिस्पेक्टिव हमारा आगे चलकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल गैमीट बनता है ठीक है तो हम हमारे पहले फीमेल वाले को डिस्कस कर लेते हैं फीमेल में यहाँ ज़्यादा आपको शायद मैंने नहीं डाला है आई एफोगोद तो मैं आपको एक रिस्पेक्टिव चीज बता देती हूँ यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपको अगर मैं यहाँ पर बता रही हूँ पूरा डिटेल में ठीक है तो जैसे मैंने अभी आपको मेल वाला बताया वैसे मैं फीमेल वाला भी बताऊंगी डोंट वरी यहाँ पर अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं सो फीमेल वाले में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो होगा आपका स्टिग्मा ठीक है ये आप देख सकते हो स्टिग्मा ये अपर पार्ट है ये स्टिग्मा होता है देन वी हैव आर स्टाइल ठीक है इट्स नॉट ऑफ अ फैशन दूसरा है हमारे पास स्टाइल ठीक है देन वी हैव आ थर्ड वन एवरीबॉडी नोज आई गेस ओवरी ठीक है थर्ड वन क्या है ओवरी तो अब आप आपको ये समझना है कि इनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं ठीक है तो हमारा जो स्टिग्मा होता है ये बेसिकली मेन मेन पार्ट होता है क्योंकि जब भी पॉलिनेशन के बाद आपका यहाँ पर मेल गैमीट आता है तो वो इसी स्ट्रक्चर पर स्टिक होता है ये कुछ स्टिकी अपेयरेंस होता है इसके टॉप पर या फिर आप बोल सकते हो स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इसमें बहुत छोटे छोटे माइनर हेयर्स होते हैं जिसपे आकर आपका मेल गैमीट फंस जाता है या स्टिक हो जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुक पाता है और जब ज़्यादा देर तक वो रुकता है तो वहाँ पर स्टाइल में आपका क्या बन जाती है पॉलिंग ट्यूब बन जाती है जिससे कि वो नीचे पहुंचता है ओवरी के अंदर तो रिस्पेक्टिव फंक्शन क्या है रिस्पेक्टिव फंक्शन की अगर बात कर रहे हैं सो वी हैव रिस्पेक्टिव फंक्शन ओ भैया सो सिग्मा क्या करता है स्टिक करता है किसको करता है मेल गैमिट को स्टिक करता है जब मेल गैमिट आपका फोर तो टू फाइव आवर्स के लिए वहाँ पर रह जाता है सो so, जो फाइव फोर आवर्स के लिए यहाँ पर रह जाता है आपका तो आता है हमारा स्टाइल का फंक्शन स्टाइल के फंक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पोलिन ट्यूब डेवलप होगी उस पोलिन ट्यूब से यहाँ पर जो आपके स्टिग्मा पर रेस्पेक्टिव आपका पोलिन ग्रेन आया था वो स्टाइल के थ्रू कहाँ पहुँचेगा ओवरी में जहाँ पर उसका फल द फर्टिलाइजेशन होगा देन हमारा फिर क्या आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन प्लांट्स को हम अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हो मैंने एक रफली डायग्राम आपके लिए पूरा बनाया है किसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का तो ये ऊपरी लेयर जो होती है ये होती है आपकी स्टिग्मा यहाँ पर आकर रिस्पेक्टिव आपका पोलन ग्रेन स्टिक होगा आफ्टर दैट हमारा यहाँ पर डेवलपमेंट होगा पोलन ट्यूब का ठीक है पोलन ट्यूब बनेगी फिर हमारा पोलन ट्यूब के थ्रू वो यहाँ से मूव करके रिस्पेक्टिव एरिया में आएगा ओवरी के अंदर देन हमारा फिर से आता है आपका क्या ये है आपकी पूरी ओवरिज जिसके अंदर आपके ओव्यूल्स वगैरह होते हैं जहां पर क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है किसी भी रिप्रोडक्टिव का दैट इज फर्टिलाइजेशन ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है फर्टिलाइजेशन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो मतलब वहां पर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है ठीक है क्लियर तो आई थिंक ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्लियर हो गया सो लेट्स बिगिन विद मोर थिंग हमारा नेक्स्ट चीज़ जो आता है वो आता है स्पोर्जेनिस के बारे में सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी लाइक वी हैव आर स्पोर्टेनिस इफ़ आई टॉक अबाउट अ लिटिल ओवरव्यू तो ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं जिसमें कि एक ये प्रोसीजर है जिसमें आपके माइक्रोस्पोर से पोलन मदर सेल के थ्रू हमारा क्या बनता है माइक्रोस्पोर बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं राइट सो दैट सॉल्व फॉर वाट वॉज इन टू डेज वीडियो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो इट वॉज़ जस्ट अ स्मॉल ओवर व्यू कैल्स ठीक है यहाँ पर अगर मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ ठीक है so, सो हमारे यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई हैं इस तरीके से वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं आपका हम सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया है फ्लार के बारे में देन वी हैव के फ्लार में दो चीज़ें होती हैं जो चार चीजें हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसके चार चीज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमने डिस्कस किए पहला हमने डिस्कस किया काइलेक्स देन वी टॉकड अबाउट कोरोला देन वी टॉक अबाउट एंड्रोशियम एंड देन वी टॉक अबाउट काइनोशियम ये हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट किसके आपको सभी को पता है इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ फ्लार देन हमने स्मॉल इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्लावर में एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम का रिस्पेक्टिवली चेक किया पार्ट्स क्योंकि उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं तो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के थ्रू अगर हमने डिस्कस किया है सो so हमारा एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम में जो चीज़ आएगी एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम में ठीक है तो हमारा एंड्रोशियम में सबसे पहले चीज़ आती है फिलामेंट एंड एंथर ठीक है एंथर्स स्टामिन बेस स्ट्रक्चर्स है जो इसमें आपके दो मेन रिस्पेक्टिव आते हैं आपका क्या आता है फ्लॉमेंट एंड एंथर नेक्स्टली हमने बात की थी गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तो so, हमारा उसमें चार चीजें दी हुई है मेन स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एंड ओव्यू तो ये हमारी फोर चीजें हैं फिर से रिवाइज करते हैं स्टिग्मा जो कि हमारा स्टिक करता है किसको ग्रेन को देन स्टाइल हमारे स्टाइल में क्या होता है ट्यूब का डेवलपमेंट होता है जहाँ से मेल वाला ग्रेन ग्रें, कहाँ पहुँचता है ओवरी में ओवरी के अंदर आपके ओव्यूल्स होते हैं जहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो so, इस तरीके से आपको इस फ्लो चार्ट के थ्रू ईजिली समझ में आएगा एंड इन नेक्स्ट सेक्शन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर चैप्टर टू स्टे यून फॉर दैट वीडियो एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो से दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द टॉपिक्स क्विकली